हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, एक छोटी सी मोटिवेशनल हिंदी कहानी लाया हूं आपके लिए। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी कहानियां इंसान का जीवन बदल देती हैं। और ये भी कहानी कुछ इसी प्रकार से है, आपको एक अच्छी सीख देगी यह कहानी। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। लेकिन उसके पहले आप अपने शहर का नाम जरूर बताएं कि आप कौन से शहर से हमारी ये कहानी देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा हुआ करते थे जिन्हें अपने बारे में, अपनी भविष्यवाणी जानने में बहुत ही ज़्यादा इच्छा रखते थे, बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस किया करते थे। और उनके राज दरबार में जितने भी ज्योतिषी थे, वो हमेशा राजा के बारे में जब भी कभी अच्छा बोलते, कभी जब बुरा बोलते, तो जब बुरा बोलते थे तो राजा उन्हें मृत्युदंड दिलवा दिया करता था। राजा अपनी भविष्यवाणी में यह जानना चाहते थे कि मैं अपने जीवन में जितने भी युद्ध करूँगा, क्या उनमें मैं विजय हासिल कर पाऊँगा, या फिर ऐसा वो कौन युद्ध होगा जिसमें मुझे सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। और इसी के चलते वह अपनी भविष्यवाणी करवाया करता था। जब जितनी भी भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषी थे, जब उसके बारे में परेशानियों का सामना उसके जीवन में बताते थे, तो राजा दुखी होकर, नाराज होकर, गुस्से से उन ज्योतिषियों को मृत्युदंड दिलवा दिया करता था। एक बार की बात है, राजा को पता चला कि एक विदेश से ज्योतिषी आए हैं जिन्हें काफ़ी ज्ञान है, और उन्होंने जितने भी लोगों की भविष्यवाणी की है वो बिल्कुल सही साबित हुई है। राजा ने अपने दरबार में उन्हें आमंत्रित किया, और जैसे ही वह ज्योतिषी वहाँ आए, राजा ने अपनी कुंडली जो है उस ज्योतिषी के हाथों में प्रदान की और एक आसन पर उनका स्वागत सत्कार के साथ बैठाया। सबसे पहले वो जो ज्योतिषी थे, राजा की कुंडली खोलकर उसका अध्ययन करने लगे, और उसके बाद राजा से बोले, हे राजन, मैं आपके जीवन में आपके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ही आपकी भविष्यवाणी बताऊंगा, मैं कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुनाऊंगा। राजा खुश हुआ और उसने बोला, मैं आपके कहने का मतलब समझ गया हूँ, आप निडर होकर मेरी जो भविष्यवाणी है उसे बयां कर सकते हैं। तब वह जो ज्योतिषी था, उसने राजा के जीवन में आने वाले जो खुशी के पल थे उसे बयां करने लगे, और यह बताते बताते राजा को बहुत खुशी का अनुभव प्राप्त हुआ। उसने सोचा कि वाकई में यह जो मशहूर ज्योतिषी है, एक सही ज्योतिषी अब जाकर मुझे मिला है, और वह खुशी से काफ़ी भर गया। लेकिन कुछ ही पलों बाद वह जो ज्योतिषी था, उसने बोला, हे राजन, आपके जीवन में जो कष्ट आने वाले हैं उसे भी मैं आपको बयां करना चाहता हूँ। राजा ने कहा, बिल्कुल बयां करिए। और जब वह ज्योतिषी राजा के जीवन में आने वाले कष्टों को, आने वाले मुश्किल दौरों को जब बयां करने लगे, तो राजा को धीरे धीरे निराशा प्रतीत होती गई और राजा धीरे धीरे दुखी होता गया। और जब वो जो परेशानियाँ राजा के जीवन में आने वाली थी, वह खुशी के पल से कई गुना ज़्यादा परेशानियों का सामना उसे करना पड़ेगा, जब उसने यह सुना तो वह क्रोधित हो गया और उसने भी उस जो ज्योतिषी है उसे मृत्यु दंड देने का अपने मन विचार किया। और तुरंत उस राजा ने ज्योतिषी से कहा कि अब बस अपनी शांत हो जाओ, इन बकवासों को बंद करो, लेकिन उसके पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी भविष्यवाणी, तुम्हारी कुंडली के अनुसार तुम्हारी मृत्यु कब होने वाली है। अब यह जो ज्योतिषी था पूरी तरह से समझ गया था कि राजा अब मेरे साथ वही हाल करेगा जो उसने अन्य ज्योतिषियों के साथ किया है। उसने तुरंत अपना दिमाग लगाया और उसने कहा, हे राजन, मेरी जो भविष्यवाणी है, मेरी जो कुंडली है, मेरी जो मृत्यु है, वह आपकी मृत्यु के ठीक एक दिन पहले होने वाली है। जैसे ही राजा ने उस ज्योतिषी का जवाब सुना, वह अपने दिमाग में विचार करने लगा कि यार, इसकी भविष्यवाणी कहीं सत्य ना हो जाए। और इस ज्योतिषी ने जिस प्रकार चतुरता से अपना जवाब दिया है, राजा खुश हो गया और उस ज्योतिषी को ढेर सारा सम्मान दिया, ढेर सारा उपहार दिया, और खुशी खुशी उस राज दरबार से विदा किया। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जिस प्रकार उस ज्योतिषी ने अपने बुरे वक्त में, जब उसे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी समाप्त होने वाली है, उसने कुछ इस प्रकार से दिमाग लगाया कि उसका जीवन सफल हो गया और उसने अपने जीवन को अच्छा बना लिया। उस बुरे वक्त से सामने वाला उसे मौत देने वाला था, लेकिन उसे उसने बदल दिया। दोस्तों, यह एक सच्ची कहानी है और इस कहानी से हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब भी कोई बुरे वक्त, बुरे हालात में फंस जाए, घबराएं नहीं, शांति से सोचें और उसे हल करने की कोशिश करें, और यही जीवन है। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसे लगी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।